सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लास मूवी के और भी नए लुक के बारे में, जिसे देखकर हमें फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है कि फिल्म की स्टोरी असल में कहां पर बेस्ड है। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। वेल, तो सबसे पहली इमेज में हम देख सकते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर एम नाइट शयमलन और अनब्रेकेबल फिल्म के हीरो ब्रूस विलिस को, जो इस फिल्म में डेविड डून का रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ फिल्म को लेकर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन उसकी अगली वाली इमेज में हम देख सकते हैं जेम्स मैकॉय को, और इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्रिजन में बंद है। और यहाँ पर इससे मिलने आई है एनिया टेलर, जिन्हें हमने इसके पहले स्प्लिट फिल्म में कैसी का रोल करते हुए देखा है। तो फिलहाल तो ये डिटेल नहीं आई है कि उनका इस फिल्म में रोल क्या है, लेकिन देख कर ऐसा लग रहा है कि केविन का कैरेक्टर केसी को ज्यादा मानता है, इसलिए यहाँ पर वो उसकी बातें सुन रहा है। और अगली इमेज में हम देख सकते हैं सैरा पॉल्सन को, जो इस फिल्म में एक साइकेट्रिस्ट का रोल करने वाली है, और वो इन तीनों से डील करने वाली है। और वो चीज हमें इस इमेज में नजर आती है। इस इमेज में हम फिल्म के तीनों कैरेक्टर को देख सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मिस्टर ग्लास। तो देखते हैं वो फिर से मिस्टर ग्लास के रोल में कितनी ज्यादा जान डालने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों बाहर की दुनिया के लिए काफी खतरनाक है और उन्हें इस मेंटल फैसिलिटी में कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वो सारी चीजें हमें फिल्म में ही पता चलेगी। लेकिन कुछ सेट इमेजेस को देखकर ये लगता है कि केविन का कैरेक्टर यहाँ पर रहने लायक नहीं है, इसलिए वो काफी अजीब अजीब हरकतें करता हुआ हमें इसके सेट पर नजर आया है। और फिर एक काफी अच्छा अपग्रेड लुक हम देख सकते हैं मिस्टर ग्लास का, जहाँ पर हमें उनके शर्ट पर MG का लोगो भी नजर आया, और ये लोगो मिस्टर ग्लास का ही है, लेकिन उनके सूट में काफी ज्यादा अपडेट कर दिया गया है। और बैकग्राउंड में देखकर ये लगता है कि केसी ने यहाँ पर मिस्टर ग्लास को बुलाया है ताकि वो यहाँ पर केविन को समझा सके, क्योंकि बैकग्राउंड में हम कुछ गार्ड्स को भी देख सकते हैं जिन्हें शायद केविन ने ही मारा होगा। कल तो सच में ये फिल्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म सीधे सीधे जाकर कनेक्ट हुई है अनब्रेकेबल फिल्म से। तो बाकी डिटेल्स हम इसके ट्रेलर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर सैन डियागो के कॉमिक कॉन के इवेंट में आने वाला है और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो गई है। तो आपकी क्या राय है इन सभी फ्रेश लुक को देखकर, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।